यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा विद्यालय के तरीके अजब गजब हैं। बोर्ड ने इस बार 10वीं और 12वीं के ओपन बोर्ड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। यानी हर परीक्षार्थी को हर पेपर के लिए अलग अलग केंद्रों पर जाना होगा। हद तो यह है कि इस व्यवस्था से बोर्ड के उच्च अधिकारी भी अनजान हैं। लिहाजा शिक्षा बोर्ड की इस व्यवस्था से न केवल परीक्षार्थी बल्कि उनके अभिभावक भी हैरान हैं। हरियाणा में हर 2 घंटे में कैंसर से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। प्रदेश में यह लगातार 3रा साल है जब कैंसर से मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर पिछले 3 सालों में कैंसर से हुई मौत की रिपोर्ट पेश की है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी झज्जर की बेटी मनु भाकर के मुरीद हो गए हैं। विश्व कप निशानेबाजी में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाली मनु को ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने बधाई दी है। सभी भारतीयों को प्राउड फील कराने का संदेश देते हुए विक्की ने ही नहीं बल्कि फिल्म और राजनीति के छोटे बड़े सितारों ने मनु को ट्विटर पर बधाई दी है। राजगढ़ के एक गांव की लड़की ने स्कूल से घर जाने के लिए मना कर दिया। लड़की का कहना है कि उसकी माँ उसके साथ लगातार मारपीट करती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने जब मामले की जांच की तो लड़की ने बताया कि उसकी माँ और चाचा के अवैध संबंध है, इस कारण माँ उसके साथ मारपीट करती है। पुलिस ने अब लड़की को बाल आश्रम में भिजवा दिया है। कैब की यात्रा के दौरान सेक्टर 5 निवासी युवती की दोस्ती एक कैब चालक से हो गई। कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में बातचीत होते रही। फिर एक दिन कैब चालक उस युवती को एक होटल के रूम में ले गया और अपने एक दोस्त के सहयोग के साथ उसे शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने कैब चालक नयागांव निवासी कमल उर्फ कुणाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब दूसरे आरोपी मौली जागरण निवासी आशीष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।